यूपी अल्टीग्रेट टीचर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आगे भी क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं। तो क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर वन है इंटीग्रेशन जीरो टू अंडर रूट टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके आगे ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, या ऑप्शन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू है कोट इनवर्स अंडर रूट कोस अल्फा प्लस का टेन इनवर्स अंडर रूट कोस अल्फा इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टीजीटी 2009 में। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ऑर्डर इन डिग्रीज फाइंड करना है, ठीक है। वन प्लस का थ्री डी बाई डी एक्स की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू फोर, डी की पावर थ्री अपॉन डी एक्स क्यू, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फोर है जेड इक्वल टू एक्स माइनस का आई वाई, ये पी जी टी में आ चुका है। एक्स अपॉन पी प्लस का वाई अपॉन क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता के एग्जाम में आ चुका है। इसकी वैल्यूज फाइंड करना है, वी है जेड की पावर वन पॉइंट थ्री इक्वल टू पी प्लस आई क्यू था, तो इसके ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई डॉट डॉट एड इन फाइंड, तब है एक्स ग्रेटर देन टू जीरो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी बाई बाई डी एक्स, देन ऑप्शन है वन माइनस का एक्स अपॉन एक्स एंड वन अपॉन एक्स एंड एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, डी है वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट इक्वल टू वन टू एन वन बाई एन ई की पावर आर बाई एन, इसके ऑप्शन आगे दिया है ए बी सी डी में, इसके ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेवन है आर इक्वल टू ए कोस टी आई प्लस का ए साइन टी जे प्लस का वी टी के, आई फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी आर बाई डी टी का मॉडुलस, ऑप्शन दे रखा है सामने। एंड क्वेश्चन नंबर एट है पी इक्वल टू ए कोस के टी प्लस का बी साइन के टी, वे ए एंड वी सा कॉन्स्टेंट वेक्टर्स एंड के से इस कॉन्स्टेंट स्केलर, देन कौन सी वैल्यूज उसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन है ए बी सी डी एंड डी, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन है डेल स्क्वायर एक्स बाई आई प्लस का वाई जेड के प्लस का जेड एक्स के जेड एक्स के, इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर टेन है डाइवर्जेंट ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू, तो इसमें से भी हमको कोई करेक्ट ऑप्शन चेक करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू ए वाई जेड प्लस का टू जी जेड एक्स प्लस का टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ए कॉनिक द स्फीयर या द सिलेंडर या नॉन, ठीक है, इन ऑप्शन में चेक करना। क्वेश्चन नंबर 12 है द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट ए कॉन इफ कंडीशन दिया हुआ है, चार कंडीशन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कराए नहीं थे इसलिए हमने इसका आंसर बता दिया है, क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द कंडीशन दैट ए कॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर टू ए वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो मे बी थ्री द म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इज, तो उसके ऑप्शन गिवन है, ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू पॉइंट 000 ए 000 बी 0 एंड 00 सी इज, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसमें छटना है ए बी सी डी, ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट ए स्फीयर इफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी एस, ऑप्शन है जीरो नेगेटिव या नेगेटिव या जीरो या पॉजिटिव, ठीक है। तो सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पीजीटी के हैं दोनों, 14 नंबर टीजीटी में भी आ चुका है। द एंगल बिटवीन द लाइंस, इनके बीच का एंगल फाइंडिंग करना है, क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस आर, इसमें से इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस फाइंड करना है, एक्स एक्स का इक्वेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अल्फा बीटा गामा विद द एंगल विच लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द एक्सिस, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज, इनमें छठना है। एंड 21 है एलएमएन आर द डीसीज ऑफ ए लाइन देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है बिंदु 3, 4, 5 की वाई एक्सिस दूरी, यानी कि पॉइंट से 3, 4 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वाई एक्सिस एंड 3, 4 एंड 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस का जेड एक्स जे प्लस का टू वाई जेड के, देन पॉइंट से माइनस वन वन
एंड 1 पर कर्ल एफ फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया है। एंड 24 है, 3 की पावर 47 को 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है, सक्सेसफुल बताना है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, आर इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर आर, देन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के होता है, देन ग्रेड आर की पावर एम इक्वल टू, ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें चेक करना कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस जेड के, देन ए कोई अचर राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटीज है, देन फाइंड द ग्रेड ए डॉट आर इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी में, ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से चेक करना है। एंड 27 है, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस जेड के, देन कर्ल ए क्रॉस आर इक्वल टू दिस, इसमें से ये इसका आंसर चेक करना है क्या बनेगा। 28 नंबर है, वेक्टर पी इक्वल टू वेक्टर ए कोस के टी प्लस का वेक्टर बी साइन के टी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी अपॉन डी टी वेक्टर पी पी क्रॉस डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। एंड 29 है, मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू, आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस का आर्गूमेंट ऑफ जेड टू की वैल्यूज में फाइंडिंग करना है। एंड 30 है, ये आ चुका है पी जी टी में एक बार, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी जी टी में आ चुका है, ठीक है। तो वही सब क्वेश्चन रखे गए हैं जो ज़्यादातर आने की चांसेस हैं। 30 एंड 31 इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें 31 में एक्स का वैल्यूज फाइंड करना है, एक्स क्या आएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह समीकरण जिसके मूल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को सीटा प्लस वन के मूलों के एन वे घात हैं, तो इसमें फाइंडिंग करना कौन सा आएगा। 33 है, एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई के टोटल एट इनफाइनाइट, देन वाई की वैल्यू फाइंड करना है। 34 है, 3√3 डॉट डॉट का एन बापत 1/243 है, तो एन की वैल्यू फाइंड करना है। 35 है, द फंक्शन एफ सच दैट आर बिलोंग्स टू आर आर R tends to R, we defined fx equal to x square plus 1, then find the values of f inverse minus 8 is, इसमें से कौन सी वैल्यूज आएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैट्रिक्स एस का क्वेश्चन है, नहीं नहीं डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है, ए माइनस की बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी सी इक्वल टू निकालना क्या इसमें वैल्यूस आएगा। 37 जो क्वेश्चन है ये पीजीटी में आ चुका है, लोक सेवा आयोग द्वारा जो यूपी राजकीय इंटर कॉलेज का पीजीटी या शासन पत्रिका कराता है, एक ऐसा अभी है ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका नॉट इक्वल टू जीरो, ए की इक्वल टू जीरो, फाइंड वन माइनस ए का इन्वर्स फाइंड करना है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 38 है, अल्फा बीटा समीकरण टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के मूल हैं, देन जो डिटर्मिनेशन या सारणिक 0 अल्फा बीटा बीटा 0 अल्फा एंड बीटा अल्फा 0 का वैल्यूज फाइंड करना है क्या आएगा। 39 है, ए एंड बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस का वी इज द स्क्यूसिमेट्रिक या सिमेट्रिक या जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन का ऑप्शन फाइंड करना कौन सा करेक्ट होगा। एंड 41 है, ए अल्फा इक्वल टू दिया है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द वैल्यूज ऑफ एक्स भी सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसमें से कौन सी इक्वेशन की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड आर इन जी पी, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इज ए पी जी पी एच पी एन नॉन। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1/q प्लस आर प्लस का 1/r प्लस पी प्लस 1/p प्लस का क्यू ए पी में है, तब सिद्ध करना है मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पी क्यू आर इन ए पी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इन ए पी एंड सी है 1/p 1/q 1/r इन ए पी डी है नॉन, ठीक है। 45 है, 1+a 1/1 1/1 + b 1/1 + c की वैल्यूज क्या होगा, इसमें से इसकी वैल्यू चेक करना है कौन सी वैल्यू करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, द एरिया ऑफ ए लूप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज, यानी कि चार ऑप्शन दिया है, इनमें चेक करना कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके ऑप्शन चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एफ से जेड आर टेंस टू आर इज गिवन बाई द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस का एक्स क्यू की पावर 1/3, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो ये इसमें चेक करना है कि ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन इसके रखे हुए हैं, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 49 है, ए कर लो दिया 300 0 0 3 0 0 0 3, ए की पावर 5 की वैल्यू फाइंड करना है किसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स प्लस वाई, देन एक्स डेल्यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल्यू अपन डेल वाई की वैल्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस का 2y dy इक्वल टू 0 का इंटीग्रल फैक्टर यानी समाकलन गुणांक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस का सी क्यू माइनस का सी सी स्क्वायर माइनस सी क्यू से प्राप्त अवकल समीकरण यानी कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगा का घात एवं कोटि यानी ऑर्डर एंड डिग्रीज का सम क्या होगा। ठीक है, 53 है, यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू अपन एक्स प्लस वाई, देन एक्स डेल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल्यू अपॉन डेल वाई फाइंड करना, ऑप्शन दिए हुए हैं। 54 है, टू की पावर एक्स प्लस टू की वाई टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई इक्वल टू की पावर एक्स प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये ऑप्शन हैं। पहला है टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई अपॉन टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर वाई, बी ऑप्शन है टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई अपॉन वन प्लस टू की पावर एक्स प्लस का वाई, एंड सी है टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर वाई माइनस का टू की पावर एक्स प्लस वाई, डी है नॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, एक कर्व है वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यू तथा इसके अनंत स्पर्शी के बीच का क्षेत्रफल यानी कि असिम्प्टोट्स, अनंत स्पर्शी को असिम्प्टोट्स कहते हैं, के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है पाई ए स्क्वायर 3πa² एंड 2πa² एंड 4πa². क्वेश्चन नंबर 56 है, ए टू बी लिमिट है एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स की पावर एन की वैल्यूज फाइंडिंग करना है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 57, पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व आर की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा इज क्या होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 58 है, 2y प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 3 के बिंदु 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। 59 एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यह एक्स लाई कर रहा 0 टू पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ डैश पाई बाई 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, 14 की पावर 10 प्लस 2 को 11 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, भाग यानी डिवाइडिंग। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं वो थोड़ा इससे समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 61, एफ डैश 3 इक्वल टू 3 एफ डबल डैश 3 इक्वल टू 2 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू 3 टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 एफ डैश एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 की वैल्यू से, ऑप्शन है ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 3 डी इक्वल टू नॉन। 62 है, द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशन आई इक्वल टू माइनस 1 टू 1 साइन की पावर 11 एक्स डी एक्स, ऑप्शन ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 1 एंड डी है नॉन। 63 है, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0, द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, इन ऑप्शन से पी एंड क्यू की वैल्यूज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 64, द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन द इवन फंक्शन, कौन सा इनमें से इवन फंक्शन है। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी यानी इसमें चिक करना आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3 वाई इक्वल टू 0 को एक्स वाई पद हटाने के लिए अक्ष को कितना रोटेट करना पड़ेगा या कितना परिक्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रोटेशंस वाला है। क्वेश्चन नंबर 66 है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देन द वैल्यूज ऑफ टेन एक्स अपॉन टेन वाई इज। ठीक है, ऑप्शन दिया है, इनमें से ऑप्शन छटना है। क्वेश्चन नंबर 67, द एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए, ऑप्शन है ग्रुप सब ग्रुप अबेलियन ग्रुप एंड नॉन। ठीक है, 68 है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पैराबोला इफ, ऑप्शन दिया हुआ है। एंड 69 है, वाई का टू साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा अट एन ए मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ थीटा यानी थीटा के महत्तम मान के लिए थीटा क्या होगा। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। 70 है, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल ये होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक्स प्लस आई वाई की पावर 1 बाई 3 इक्वल टू ए प्लस आई वी, देन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यूज होगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रवक्ता UPBCS से। 72 है, पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज कौन सा होगा। एंड 73 है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस कोसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 इक्वल टू 5 टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एंड 74 है, मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0, देन ए एंड बी आर क्या होगा परपेंडिकुलर की पैरेलल की क्या। 75 है, ये भी TGT 2009 में आ चुका है। ठीक है, एंड 73 भी आया था और 71 भी आया हुआ है। 75 है,
73 पीजीटी में आया था, 73 टीजीटी एंड 75 टीजीटी में, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड फाइंड द वैल्यू एडजेंट, एडजेंट ए इज ऑप्शन है, ए ए स्क्वायर माइनस ए एंड नॉन एंड 77 एक्स आर इक्वल टू कॉस 2 अपॉन पाई अपॉन 2 की पावर आर प्लस का साइन पाई अपॉन 2 की पावर आर, बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एट एंड फाइनाइट इक्वल टू, ठीक है। 78 भी बहुत आता है, बहुत आ चुका है। 76 77 78 ये जितने क्वेश्चन है ये पीजीटी में आया हुआ है, ये तीनों टीजीटी में आए हुए हैं, ठीक है। एंड नीचे वाला है भी टीजीटी में आया हुआ है, 80 नंबर इसका अबकल समीकरण है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सेपरेटिंग वेरिएबल्स है, ठीक है। ओके देख लीजिएगा, एटी वन एंड द पॉलीगन्स हैज 44 डायगनल्स देन द नंबर्स ऑफ इट्स साइड्स, उसकी साइड्स कितनी होंगी, ठीक है। 82 है, 82 वाई इक्वल टू एक्स प्लस का रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एंड देन सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसकी वैल्यूज क्या होगा। देखिएगा इसको कहते हैं उत्तरोत्तर अपकलन, ये हमारा अभी सिलेबस में मतलब अपकलन हमने कर तो दिया था, तो इसके एक दो क्वेश्चन किए थे, बहुत ही ये डिपेंडिंग है मतलब वैल्यूज इसमें ड्रा करने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके हम चाह रहे हैं कि मोस्ट क्वेश्चन या तो क्वेश्चन पेपर में ही रख देंगे, तो ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी राजकीय इंटर कॉलेज 2009 में, और ऐसा ही क्वेश्चन अब एलटी में तो ये क्वेश्चन आएगा ही, उत्तरोत्तर दिया है तो ये क्वेश्चन तो वो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने ज़्यादा जिसको मिल जाए वो कर सकता है, फिर भी हम भी इसमें से कुछ क्वेश्चन जो बेटर मिलेंगे वो उठा लेंगे, ठीक है। 83 है, बहुत अच्छा जाना पहचाना क्वेश्चन है वेक्टर का, फाइंड द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, जो गिवन वैल्यूज दिया है। एंड 84 डेफिनेट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। एंड 85 ये भी पीजीटी यूपी पीजीटी में भी आ चुका है, यूपी लोक सेवा आयोग से भी आ चुका है, बहुत आता है। के का वैल्यूज फाइंड करना है, 7 आता है के का मान, बहुत रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 3D का है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यहाँ से वैल्यू फाइंड करके एड्रेस में ड्रा कर दें, के निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मोड दिया है 18, मीन दिया है 24, फाइंड द मीडियन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला दिया है बताया ही था उसमें रख दिया जाएगा। 87 है द फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, 88 है एम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑर्डर नेचुरल नंबर्स, इसके ऑप्शन दिया है, ऑप्शन कर छटना है, ये n माइनस वन है, n की पावर माइनस वन नहीं, ठीक है। एंड 29 है एम ऑफ वन टू टू के स्क्वायर टू की पावर n माइनस वन इज क्या होगा। एंड 90 है क्लास इंटरवल दिया है, f दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है, फाइंड द मॉड, ठीक है। ये 21 टू 28 है, ठीक है, इसका मोड फाइंड करना है, क्वेश्चन हम इस टाइप के सब लगवा चुके हैं। 91 है द वैल्यूज ऑफ e की पावर प्लस माइनस का पाई बाई टू इज, ठीक है, ऑप्शन दिया प्लस माइनस वन प्लस माइनस का पाई बाई टू प्लस माइनस का ई एंड नॉन, ठीक है। ऐसे ही आगे दिया है 92 द रियल पार्ट्स ऑफ ई एक्स पी ई की पावर को आई थीटा एस, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है छटना है। एंड 93 है जेड प्लस का वन पॉइंट जेड का मॉड इक्वल टू थ्री दैन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड एस, ऑप्शन से छटना है। 94 है द फाइंड ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इक्वल टू, ये टीजीटी में आ चुका है, पीजी में भी आ चुका है, ये टीजी में पीजी में आ चुका है, ये पीपीजी में आ चुका है, ये भी टीजीटी में आ चुका है, सब आ चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आया हुआ इस बैच का, ठीक है। एंड 94 है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 बहुत आता है, ठीक है। एंड ये माध्यमिक चयन बोर्ड वाले इसको पीजीटी टीजीटी में बहुत रखते हैं, बार बार आता है ये क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन नंबर 96 है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस का 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस का 1/5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट डॉट एट इन फाइनाइट का सम होगा। ऑप्शंस दिया है लॉग 2 माइनस का 1/2, दूसरा है लॉग 2 प्लस 1/2 इन फाइनाइट एंड नॉन। 97 ए इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा देन द फाइंड ऑफ एडजेंट ए। 98 है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यूज फाइंडिंग करना है। 99 है एक्स प्लस का वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस का 2 वाई प्लस का 3 जेड इक्वल टू 4, एक्स प्लस का 4 वाई प्लस 9 जेड इक्वल टू 6 को अभी विधि से यानी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। 100 है 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में
पदों के गुणांकों पर का योगफल होता है ए टू, ये आ चुका है पिछली बार आया है शायद, इक्वल टू 2n2n n² n। ठीक है, 101 है एक्स क्यू माइनस का 1/(x³)/10 का मध्यवर्त यानी मिडिल टर्म फाइंड करना है। 102 है 1+(2)/(2)/(3)/(4)/(4)/(2)/(2)@(infinite) की वैल्यू से क्या आएगा e2 e3, इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 103 है, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 104 है, एक पासे की फेंक में 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 106 है, एवरी कन्वर्टेंट सिक्वेंस एज बाउंडेड अनबाउंडेड एब्सोल्यूट या कन्वर्स। 107 है, द सिक्वेंस 1/(3)^n इज क्या है, कन्वर्स की डाइवर्स की ऑक्सिलेट की नॉन। 108 है, लिमिट एंटर्स टू इनफाइनाइट एन की पावर 1/n के ऑप्शन दिया 1, 2, इनफाइनाइट एंड ई। एंड 109 है, द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट की ऑक्सिलेटरी की नॉन। क्वेश्चन नंबर 110 है, द सीरीज 1+(1)/(2)/(1)/(3)/(1)/(4)@(infinite) इसमें ऑप्शन दिया है डाइवर्स कन्वर्ज नाइदर कन्वर्ज नॉट डाइवर्ज एंड ऑक्सिलेटरीज। 111 है, सीरीज दिया है 1+(x)/(2)/(3)^2 इस तरह से दे रखा है कन्वर्ज कब कन्वर्ज होगा। एंड 112 समीशन यू एन स्क्वायर एंड समीशन बी एन स्क्वायर आर बोथ कन्वर्जेंट सीरीज एंड द समीशन यू एन बी एन इज कन्वर्ज के डाइवर्स की ऑक्सिलेटरी। 113 है, 1+(1)/(2)+(1)/(3)+(1)/(4)@(infinite कन्वर्ज डाइवर्ज डाइवर्ज नॉन कन्वर्ज नॉन डाइवर्ज एंड ऑक्सिलेटरी, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है, 114 नंबर, द सीरीज समीशन यू एन का मोड इज कन्वर्ज देन द सीरीज समीशन यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्ज की कंडीशनल कन्वर्ज की सेमी कन्वर्ज के नॉन। 115 द सीरीज समीशन यू एन इज कन्वर्ज समीशन बी एन इज डाइवर्ज देन द समीशन मोड ऑफ यू एन इज क्या होगा, ऑब्सोल्युटली कन्वर्ज की कंडीशनल कन्वर्ज की सेमी कन्वर्ज के नॉन। 116 है, द मल्टीपल आइडेंटिटीज ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 सी कट टू एंड डी है नॉन। 117 है, द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट 1i-i and -1 इज कौन सा इसमें से होगा, कौन सा इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। ठीक है, 117 हो चुके हैं। एक सौ अट्ठारह नंबर है, ए ओ बी की का इनवर्स इज इक्वल टू फॉर एवरी वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू जी इक्वल टू वेयर जी इज ए ग्रुप, किसके इक्वल होगा ये हमको फाइंड करना है। जहाँ पे जी एक ग्रुप है, ए ए इनवर्स ऑपरेशन वी इनवर्स, बी ऑप्शन है ए ओ बी एंड सी है वी ऑपरेशन ए एंड सी है बी ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ये डी ऑप्शन है तो यही करेक्ट होता है। 119 है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप देन द थ्योरम इज, कौन सी थ्योरम है, ए है कैले कैले थ्योरम, बी है आयलर्स थ्योरम एंड सी ऑप्शन है लाग्रेंज थ्योरम एंड डी है डी को नॉन कह दो यार। हाँ, 120 नंबर है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज, पहला है इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बी है डबल द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड सी है हाफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एंड डी है द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये एलटी के लिए बनाया है, 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हो गए और 30 क्वेश्चन जीके के वो भी बने हुए हैं,
तो हम सोच रहे हैं उसको सेक्शन बी अलग, इसी मतलब इसी क्वेश्चन पेपर का अलग कर दे रहे हैं, अलग वीडियोस बना दे रहे हैं, इसमें हाथ थक गया लिखते लिखते, तो उसको हम अलग से बनाएंगे।